तो किससे झगड़ के आया? उससे जिसकी अनम के साथ शादी हो रही है। झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? आज अगर वो ना होता ना तो मेरी शादी हो रही होती अनम के साथ। बेवकूफ, फिर भी ना हो रही होती। देखा नहीं किस तरह शाकिर ने सारे अगले पिछले ताल्लुक तोड़े हुए हमसे, और आज के बाद तो हो ही नहीं सकती। मैं नहीं जानता, मैं अनम से ही शादी करूंगा। नवीद पागल तो नहीं हो गया? और बात सुन मेरी नवीद, बेवकूफ लड़के इधर। अम्मा बहुत स्पेशल चीज लाया हूँ, बहुत भूख लगी है, दोनों मिलके खाते हैं। ये ले। मुझे भूख नहीं। क्यों? बस यूं। क्या बात है, आप चुप चुप क्यों? कुछ नहीं। कुछ तो है बताएं, वरना अभी नहीं खाऊंगा। छह महीने की जितनी जब जब मैंने तुझे माँ बाप दोनों बनकर पाई, तुम्हारी एक एक हरकत से मुझे पता चल जाता है कि तुम कब खुश हो और कब परेशान। क्या तुम माँ के अंदर नहीं जान सकते? माँ, मुझे पता है आप क्यों उदास है। आप अनम की शॉपिंग वाली बात में नाराज हैं। कुछ भी कहकर तुम्हारी खुशी नहीं खराब कर दी। अगर आप उदास होंगे तो मैं कैसे खुश हो सकता? मेरे बच्चे, तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन मर्द का इम्तिहान शादी के बाद शुरू होता है। क्या मतलब? कैसे इम्तिहान? कि वो अंदर से कितना मजबूत है और कितना कमजोर। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी से मजबूत होना होगा, वरना लेकिन ये मुझसे हुआ कैसे? अम्मा ने जबरदस्ती बनवाई होगी। नहीं नहीं, ऐसे खुद बनाई। किस खुशी में? दादी दादी, अनम आपकी ना आज अम्मा और अब्बा के साथ जहेज कंपनी गई थी और 5 लाख का जहेज किस्तों पर ले आई है। अरे मैं मर गई, तुम्हें माँ बाप का जरा ख्याल नहीं है? अम्मा इसे कुछ मत कहें, बेटियों के बड़े अरमान होते हैं और मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी को खुशी खुशी रुखसत कर। अगर ये खुश नजर आ रही है तो उसे खुश रहने देना।